हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल मैथ्समेंट बाई बाय कमलेश आज मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन वह क्लास टेन मैथ्स का है एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर एट एन बुक से चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स क्वेश्चन है वाटर इन ए कनाल सिक्स मीटर वाइड एंड वन मीटर डीप इज़ फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ टेन किलोमीटर पर आवर अब ये एक कनाल है कनाल जिसे हम नहर भी कहते हैं एक मैन मेड स्ट्रक्चर होता है जो नदियों या कोई बड़े वाटर बॉडी से इसको अटैच कर देते हैं और उससे वाटर ड्रेन करके खेत में ले जाते हैं जिससे कि क्रॉप को फायदा हो अच्छा सा क्रॉप उपज सके यही है ये एक वाटर बॉडी है सपोज कीजिए कि, कि ये एक रिवर है इससे एक मैन मेड स्ट्रक्चर है जो बड़े नाले के जैसा चौकोर फॉर्म में होता है नॉर्मली मीन्स ये क्यूबाइडल फॉर्म में नॉर्मली होता है इसमें भी अभी देखेंगे इसके थ्रू पानी बहते हुए दूर तक ले जाते हैं जहाँ जहाँ खेत है वहाँ ठीक है और ये हाउ मच एरिया विल इट इिगेट इन थर्टी मिनट अगर थर्टी मिनट इसको पानी गिराया जाए किसी खेत में तो कितना एरिया इरीगेट करेगा इफ़ एट सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड शर्त यह है कि खेत में आठ सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी लगना चाहिए मीन्स खेत में पानी का हाइट एट सेंटीमीटर होना चाहिए ठीक है स्टैंडिंग वाटर का मतलब है खेत में जो फील्ड है उसमें आठ सेंटीमीटर हाइट तक पानी होना चाहिए ठीक है तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये एक दिया हुआ है इसमें क्या ये कनाल है तो लिख देंगे फॉर कनाल इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लिखा हुआ है वाटर इज ए वाटर इन ए कनाल सिक्स मीटर वाइड तो इसका ब्रथ कितना हो गया बी कितना हो गया सिक्स मीटर ठीक है दूसरा क्या है एंड 1.5 मीटर डीप तो डीप मींस हाइट हो गया डेप्थ मीन्स हाइट तो एच हो गया हाइट एच दैट इज डेप्थ ये कितना है 1.5 मीटर अब इसमें एल निकालना है एल निकालेंगे तभी हम इसका वॉल्यूम वाटर का निकाल सकते हैं तो एल के लिए क्या करेंगे तो ये लिखता है क्वेश्चन में जो एल होगा इसका एल इज टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन आवर बाय वाटर सपोज कीजिए कि पानी कंटिन्यूटली बहुत लंबाई है इसका कनाल का लंबाई बहुत है अब एक घंटे में स्पीड इस है इसका क्या एक घंटे में वाटर का स्पीड कितना है टेन किलोमीटर तो सपोज कीजिए कि यहाँ एक पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ टेन किलोमीटर है तो हमेशा एक घंटे में हमेशा इतना ही पानी भरा रहेगा एक घंटे के टाइम में इसलिए जितना पानी गिरता है स्पीड सेम है फिर पानी पानी को ये कंटिन्यूसली फिलअप करता रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि एक घंटे में इतना पानी दस किलोमीटर हमेशा इसमें लेंथ में भरा रहेगा हाइट ये रहेगा और ब्रेथ ये रहेगा ठीक है तो डिस्टेंस ट्रेवेल्ड एल क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवेल्ड इन वन आवर बाय वाटर तो वन आवर कितना रहता है ये कितना है टेन किलोमीटर एक तरीका ये हुआ दूसरा तरीका हम निकाल सकते हैं एल इजकल टू डिस्टेंस एल का मतलब लेंथ का क्या मतलब जो डिस्टेंस होगा वही लेंथ होगा तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है डी इजकल टू स्पीड इन टू टाइम तो स्पीड कितना है इसका टेन है टाइम कितना है वन है तो वही टेन किलोमीटर ही हुआ इस तरीके से भी हम देखते हैं लेकिन नॉर्मली उतना समय बिताने का नहीं है जितना कोई इस तरह के क्वेश्चन में जो भी स्पीड में जो डिस्टेंस रहता है यूनिट स्पीड में जो डिस्टेंस कवर किया रहता है वही उसका लेंथ माना जाता है तो ये टेन किलोमीटर हो गया तब लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन वन आवर स्कल टू कितना हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच ठीक है तो एल कितना है टेन है किलोमीटर बी कितना है सिक्स मीटर है क्वेश्चन में दिया हुआ है सिक्स मीटर एच क्या है वन पॉइंट फाइव मीटर ठीक है ये दोनों मीटर में ये किलोमीटर में है इसलिए इसको भी चेंज कर देंगे मीटर में तो थाउजेंड मीटर का होता है किलोमीटर तो इसलिए इसको टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टेन थाउजेंड हो गया ये मीटर हो गया अब सिक्स का सिक्स डाल देंगे और वन पॉइंट फाइव मीटर को ये डिसमल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा फिफ्टीन बाई टेन ये टेन इस जीरो से कट गया ठीक है अब ये क्या हो गया टेन दो जीरो ठीक है अब फिफ्टीन सिक्स जा नाइन्टी फिफ्टीन सिक्स जा नाइन्टी तो ये बराबर कितना हो गया नाइन्टी पर तीन जीरो इतना मीटर क्यूब हो गया ठीक है नाइन्टी थाउजेंड मीटर क्यूब ये हो गया वन आवर में पानी का वॉल्यूम होगा कनाल के अंदर वन आवर अगर डिस्टेंस कवर करते हैं तो उस डिस्टेंस के लिए क्या होगा वाटर का वॉल्यूम ये होगा अब कह रहा है क्वेश्चन में हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन थर्टी मिनट तो थर्टी मिनट में कितना होगा तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन थर्टी मिनट इज कल टू क्या हो जाएगा ये नाइन्टी थाउजेंड है ठीक है तो इसको क्या करेंगे थर्टी मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे और वन आवर में है ये तो इसको वन आवर में सिक्सटी मिनट होता है सिक्सटी से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा थर्टी टू या सिक्सटी हो गया तो ये हो गया फोर्टी फाइव थाउजेंड मीटर क्यूब इतना ही पानी जो ये इससे जाएगा कनाल से आधे घंटे में थर्टी मिनट में इतना ही पानी जाएगा और जितना पानी जाएगा वही इसका भी वॉल्यूम होगा तो अब लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन थर्टी मिनट फ्रॉम कनाल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड इन टू द फील्ड थर्टी मिनट में जितना इससे बाहर पानी निकलेगा उतना ही फील्ड में होगा इसलिए दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा तो थर्टी मिनट में ये कितना गया फोर्टी फाइव थाउजेंड तो फोर्टी फाइव थाउजेंड इज टू कितना हो जाएगा अब वॉल्यूम निकालना है इसका तो वॉल्यूम हमेशा एक इसमें देखना है यहाँ एक दूसरा कंसेप्ट वॉल्यूम इज कल टू एरिया इनटू एच एरिया इनटू एच क्यों जैसे एल बी एच लिखते हैं कि वाइट का वॉल्यूम क्या लिखते हैं एल बी इन टू एच तो एल इंटू बी क्या होता है एरिया हो गया इन टू एच हो गया अब डायमेंशन एरिया में एल कितना है बी कितना है ये हमको मालूम नहीं है लेकिन एरिया इतना है ये मालूम है ये होता है एरिया क्या होगा ये टू डी प्लेन हुआ और उसमें जितना हाइट होता है जैसे सिलेंड्रिकल का करते हैं सिलेंड्रिकल का क्या वॉलूम निकालते हैं टू ये लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर क्या होता है ये बेसुका ये बेस सिलेंडर का है उसका जो है सो तो ये एरिया हो गया बेस का एरिया हो गया ये पाई आर स्क्वायर और उसमें जितना हाइट है उससे करते थे ये एरिया हो गया ये हाइट हो गया ये तब होता है जब एच क्या होता है परपेंडिकुलर होता है है ना एच इज परपेंडिकुलर। अगर जैसे कौन है तो कौन में क्या होता है कौन ऐसे है तो इसका स्लाइंट हाइट है ये स्लाइंट हाइट है तो स्लाइंट हाइट में क्या होता है ये परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए इसमें क्या करते हैं इसका परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं तो फिर इसमें अलग फॉर्मला होता है उसमें भी इससे मल्टीप्लाई होता है इसलिए हम देखते हैं कि अगर हाइट परपेंडिकुलर हो यहाँ स्टैंडिंग वाटर है स्टैंडिंग वाटर भी परपेंडिकुलर होगा तो हाइट अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या करेंगे जो भी हाइट के साथ मल्टीप्लाई होगा वो वॉल्यूम के लिए एरिया कर लाएगा ठीक है तो ये हो गया ए बाई एच अब एच कितना दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है एच ये वाटर जो है इसमें एट सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है तो एच के जगह पर डाल देंगे फोर्टी फाइव थाउजेंड ए इंटू एच एट सेंटीमीटर है ठीक है तो ये हो जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड इज टू ए इंटू एट बाई सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे इसको हंड्रेड कर देंगे ठीक है इसको हंड्रेड कर दिया तो अब क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू हो जाएगा ये मल्टीप्लाई है ए के साथ तो इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे तो रेसिप्रोकल होके हंड्रेड बाई एट इजकल टू ए हो गया ठीक है अब इसको क्या करेंगे पहले इसको टू से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा फोर फिफ्टी का हाफ़ हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव उस पर डबल ज़ीरो अब इस फोर को क्या करेंगे हंड्रेड से कर देंगे ट्वेंटी फाइव तो ए इजकल टू कितना हो गया ए इजकल टू हो गया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डबल जीरो का डबल ज़ीरो ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फाइव रह गया में ट्वेल्व हो गया ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी और ट्वेल्व सिक्सटी टू हैंड में सिक्स बचा ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी फिफ्टी सिक्स ये हो गया मीटर क्यों अब ये एक बड़ा माने एरिया हो गया मीटर के हिसाब से बहुत लंबा फिगर हो गया तो ये भी आंसर हो सकता है और इसको अगर हम थाउजेंड टेन थाउजेंड से डिवाइड कर दें फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव जीरो जीरो बाई टेन थाउजेंड कर दें अगर है ना तो ये क्या हो जाएगा हेक्टेयर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा हेक्टेयर्स ये ये कटिया ये ये कटिया अब इसको दो जीरो है तो डिसमल यहाँ पर जाएगा इसकल टू फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव हेक्टेयर्स ठीक है ये भी आंसर हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें थैंक